दोस्तों गुड़हल का पौधा अभी तक डोरमेंसी पीरियड में था। अब इसकी अगर हम देख रेख करेंगे तो आने वाले कुछ समय तक हम इसमें अच्छी फ्लावरिंग ले सकेंगे। कुछ समय मतलब हम नवंबर दिसंबर तक इसमें फ्लावरिंग अच्छी ले सकेंगे। गुड़हल का पौधा जो होता है एक तो हाइब्रिड वेराइटी का होता है, जैसे देखिए ये हाइब्रिड वेराइटी के गुड़हल है और एक देसी वेराइटी का गुड़हल है। देखिए ये देसी वेराइटी का गुड़हल है। गुड़हल के पौधे में जो फ्लावरिंग होती है बहुत अच्छी होती है अगर आप इसकी केयर अभी से करेंगे। तो आज मैं आपको वीडियो में बताऊंगा गुड़हल के पौधे में कौन कौन सी खाद दी जाती है इस समय और इसकी केयर कैसे की जाती है, जिससे कि आने वाले समय में इसमें हम अच्छी फ्लावरिंग ले सकें। तो आप वीडियो में बने रहिए, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर करें। गुड़हल का जो पौधा होता है ये देखिए इस समय जो डोरमेंसी पीरियड में होता है इसमें कोई नई ग्रोथ नहीं दिखेगी आपको, और अगर इसमें नई ग्रोथ नहीं आ रही है तो इसमें जो मिलीबग वगैरह है वो लग जाते हैं। देखिए मिलीबग लग जाते हैं इसमें, जिससे कि पौधा खराब होने की स्थिति में आ जाता है। तो अगर हम इस समय फरवरी के जो महीना चल रहा है इस समय अगर हम इसकी केयर करेंगे तो इसमें आने वाले समय में हम अच्छी फ्लावरिंग ले सकेंगे। सबसे पहले तो देखिए जैसे इसकी जो मिट्टी है इसमें देखिए कितनी खरपतवार उगी है। ये खरपतवार जितनी है ये मिट्टी का जो पोषक तत्व है वो खींच लेती है, तो इसको आप खरपतवार जितनी भी आपके पौधे में लगी हुई है वो सब निकाल देंगे। इस तरीके से खरपतवार सब जितनी है देखिए कितनी जड़ें पकड़ लिए हैं, सब बेकार पौधे हैं, इनको हम निकाल देंगे। उसके बाद मिट्टी की जो है अच्छे से गुड़ाई कर देंगे। अगर आपका पौधे में रूट बॉन्ड हो गया है, पूरी जो जड़ें हैं इसकी चिपक गई हैं आप ये गमले में, तो आप इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। इस समय रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं इसकी, और रिपोर्टिंग का अगर आपको देखना है वीडियो कैसे करी जाती है इसकी रिपोर्टिंग और इसकी जो रूट बॉन्ड हो गया है उसको कैसे साइड अलग करा जाता है जिससे कि इसमें अच्छी ग्रोथ हो, तो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। मैंने गुड़हल के पौधे की रिपोर्टिंग की वीडियो बना रखी है। तो आप जितनी भी ऊपर की जो मिट्टी है इसको निकाल देंगे इस तरीके से कम 2 से 3 इंच की जो मिट्टी है आप निकाल देंगे। उसमें कुछ जड़ें जो होती हैं ऊपर की वो भी आ जाती हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो जड़ें दोबारा बन जाएंगी। देखिए जड़ें जो आ रही है, ये जड़ें जो है अब ऊपर को अगर हम इसमें खाद वगैरह देंगे तो ये दोबारा डेवलप होंगी और पौधे की अच्छी ग्रोथ होगी उससे। तो आप सारी मिट्टी निकाल देंगे 2-3 इंच की। इस तरीके से आप इसकी गुड़ाई कर देंगे, रूट बॉन्ड हो गया तो आप पौधे की रिपोर्टिंग कर लें। ये देखिए ऊपर जड़ें दिख रही हैं आपको, ये जड़ें जो हैं अगर हम इसमें खाद वगैरह मिट्टी वगैरह देंगे तो ये दोबारा डेवलप होंगी और पौधे की अच्छी ग्रोथ होगी। ये गुड़ाई करने के बाद आपने इसमें क्या करना है, क्योंकि इसमें जो है जड़ों में फंगस लगने का डर रहता है, तो आपने एक चीज का प्रयोग करना है जिससे कि इसकी जड़ों में फंगस ना लगे। वो चीज क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए लकड़ी की राख है, लकड़ी की राख का यूज करेंगे। इसमें कई प्रकार के न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, ये खाद का एक रूप भी है, और अगर हम इसको अगर पौधों की जड़ों में इस तरीके से एक मुट्ठी करीब लकड़ी की राख जो होती है अगर एक मुट्ठी इसमें डाल देंगे तो इसमें जड़ों में फंगस लगने का डर कम हो जाएगा। उसके बाद आप इसमें जब लकड़ी की राख डाल दिए उसके बाद आप गोबर की खाद डालेंगे। गोबर की खाद भी आप थोड़ी मात्रा में डालें, क्योंकि अभी जो है इसकी ग्रोथ हल्की हल्की स्टार्ट होगी, उसके बाद आपने इसमें गोबर की खाद की मात्रा बढ़ा देनी है कम से कम 10-15 दिन बाद। इस प्रकार से आप गोबर की खाद डाल देंगे इसमें ऊपर से, और जो आपने जो मिट्टी रखी थी जो इसकी मिट्टी निकाली हुई थी अब ऊपर से उसको डाल देंगे। इस तरीके से मिट्टी से इसको पूरा ढक देंगे, जो खाद और जो हमने गोबर की खाद और लकड़ी की राख डाली है उसको पूरा मिट्टी से इस तरीके से ढक देंगे। ये इसकी गुड़ाई करना जरूरी होता है, पौधे की गुड़ाई करेंगे तभी इसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा है जो पौधा की जो मिट्टी होती है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है जिससे कि पौधा अच्छी ग्रोथ करता है। तो आप इस तरीके से इसमें जो आपने मिट्टी निकाली हुई है उससे पूरा इसकी जड़ों को ढक देंगे। ये देखिए इस तरीके से पूरा इसको ढक दिया है, थोड़ी सी जो जगह छोड़ी है मैंने ये पानी देने के लिए, जब पानी देते हैं पौधे में तो उसके लिए जगह छोड़ दी की, नहीं तो ऊपर अगर हम इसको ऊपर तक भर देते तो पानी देने में इसको दिक्कत होती। तो इस तरीके से आप इसमें गोबर की खाद डाल देंगे। अब इसमें आपने एक चीज और करना है, डीएपी जरूर डालें इसमें, थोड़ी मात्रा में डीएपी डालनी है, 8 से 10 दाने डीएपी डाल देंगे।
ऊपर से ही इस तरीके से चारों ओर जड़ के नजदीक नहीं, पौधे की जो जड़ होती है उसके नजदीक नहीं, साइड में डालेंगे मिट्टी मिट्टी में, तो ये डीएपी घुलेगी तो उसके बाद पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी। उसके बाद इसमें हल्की हल्की मिट्टी और ऊपर से इस तरीके से डाल दें। आप गुड़हल के पौधे की देखभाल अगर इस तरीके से करेंगे तो आपके पौधे में भी अच्छी ग्रोथ होगी और उसकी जो फ्लावरिंग देने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि गुड़हल का पौधा बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है अगर इसकी केयर अच्छे से करें तो। जब इसमें हमने ये खाद वगैरह दे दी है उसके बाद इसमें क्या करना है, हल्का सा पानी डाल देंगे इसमें। जैसे आपने आज पानी डाला है तो 3-4 दिन बाद पानी डालें, क्योंकि इसमें जो पानी की मात्रा जो होती है कम चाहिए होती है गुड़हल के पौधे में, और इसमें वैसे भी सर्दियों का समय चल रहा है तो इसमें पानी कमी करेंगे तो तभी अच्छी ग्रोथ करेगा पौधा। अब बात करते हैं इसकी प्रूनिंग की। गुड़हल के पौधे में अगर एक बार फूल आ गए हैं तो इसमें प्रूनिंग करनी जरूरी होती है, क्योंकि जो ब्रांचेज होती हैं इसकी, जो नई नई ब्रांचेज जो निकलती हैं उसी में फ्लावरिंग होगी, जो पुरानी ब्रांचेज हैं उसमें फ्लावरिंग होना बंद हो जाती है। कई लोगों की क्वेरीज होती है हमारे गुड़हल के पौधे में अच्छी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो आप इसकी प्रूनिंग जरूर कर दें। और किस तरीके से प्रूनिंग करनी है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जैसे ये ब्रांच है, ये देखिए इसमें फ्लावरिंग होगी एक बार, तो इसमें मिलीबग भी लगे हैं। देखिए मिलीबग का भी मैं आपको बताऊंगा क्या करना है, मिलीबग ना लगे गुड़हल के पौधे में। थोड़ी बहुत मात्रा में लगे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी पौधा जो है डोरमेंसी पीरियड से आया है तो इसमें मिलीबग लगने स्वाभाविक है। तो आप जैसे देखिए ये ब्रांचेज हैं, इसको ये 3 ब्रांचेज निकली है यहाँ से, आप इसको जैसे ये ब्रांचेज हैं इसमें से इसको यहाँ से कट कर दीजिए। ये आपकी कटिंग भी आप लगा सकते हैं, इस समय कटिंग भी आपके काम हो जाएगी, इसको फेंकने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं। इस समय इसकी हार्ड प्रूनिंग करनी जरूरी होती है, यानी कि आप हल्की हल्की प्रूनिंग कर दें, उससे भी पौधा जो है फ्लावरिंग कम करेगा, तो आप इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दें। और जहाँ से प्रूनिंग करेंगे मैं आपको कुछ समय बाद दिखाऊंगा, इसमें नई नई ब्रांच आना स्टार्ट हो गई है, 10-15 दिन में इसमें अच्छी जो ग्रोथ दिखनी स्टार्ट हो जाती है, तो आप इस तरीके से इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दीजिए। ये देखिए मैंने जैसे ये प्रूनिंग कर दी है पूरी, इस तरीके से इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दीजिए अपने गुड़हल के पौधे की। अगर आपने जमीन में लगा रखा तब भी उसकी प्रूनिंग करनी जरूरी होती है, और गमले में तो खासकर आप प्रूनिंग करते रहें बीच बीच में, तो आपकी पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी। और उसके बाद देखिए जो मैं लगा रहा हूँ ये एलोवेरा है, एलोवेरा जेल जो होता है ये आपने जहाँ जहाँ कटिंग कर रखी आप उसमें लगा दीजिए। आप हल्दी का पेस्ट भी लगा सकते हैं, इससे जो पौधे की जो इसमें डाईबैक की समस्या आती है, पौधा जो खराब होने की समस्या आती है वो नहीं आएगी, और जहाँ जहाँ से कट कर रखा वहाँ से नई नई ग्रोथ आपको दिख जाएगी और इसमें फ्लावरिंग भी अच्छी होगी। गुड़हल के पौधे को आप पूरे दिन की धूप में रखेंगे, इसके बाद पूरे दिन की धूप में होगा तभी इसमें अच्छी फ्लावरिंग लेंगे, और ग्रोथ भी पौधे की पूरे दिन की धूप होगी तभी अच्छी होगी। तो इस तरीके से आप गुड़हल के पौधे की देख रेख करेंगे तो आपके पौधे में भी अच्छी फ्लावरिंग होगी, क्योंकि मैंने गुड़हल के पौधे में 2-3 साल से मैं अच्छी जो इसकी खाद वगैरह जो देते रहता हूँ और इसकी जो प्रूनिंग करता हूँ उसकी वजह से इसमें अच्छी ग्रोथ होती है। कितना ही पुराना गुड़हल का पौधा हो आप उससे फ्लावरिंग अच्छी ले सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और अगर वीडियो से आपको जानकारी अच्छी मिली है तो आप इसको आगे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।